दोस्तों एक बार प्यारे नबी ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तमीमदारी जो पहले ईसाई था उसने मेरे पास आकर इस्लाम धर्म अपना लिया है और उसने मुझे एक ऐसा वाकया बताया कि जो उन बातों से ताल्लुक रखता है कि जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो 30 आदमियों के साथ एक समुद्री सफर पर रवाना हुआ। समुद्र की लहरें उन्हें तूफान की वजह से महीना भर तक इधर से उधर धकेलती रहीं, यहां तक कि वो एक टापू पर पहुंच गए। उस टापू पर पहुंचने के बाद उन्हें वहां हद से ज्यादा बालों वाला एक जानवर मिला। तमीमदारी के साथियों ने उस जानवर से कहा, तेरा नाम सुतु क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने जवाब दिया कि मैं जसासा हूं और कहा कि ऐ लोगों, खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ। दोस्तों जब वो खानकाह में दाखिल हुए तो उन्होंने वहां एक भारी भरकम कदकाठ का एक आदमी देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस लंबे कदकाठ वाले आदमी से तमीमदारी और उसके साथियों ने पूछा, तेरा नाम सुतु क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तो मैं जल्दी चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? तमीमदारी ने जवाब दिया कि हम अरब से हैं। दोस्तों जंजीरों में कैद उस आदमी ने तमीमदारी से अरब और प्यारे नबी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे और फिर कहा कि मैं दज्जाल हूं और बहुत जल्दी मुझे निकलने का ऑर्डर मिल जाएगा।